क्या हो गया? क्यों बताऊं? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चले ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट. या प्लीज आफ्टर यू. पांच लाख सब्सक्राइबर लो मनोज भाई. अरे मजे ले लो बस. हाँ सो रहे हैं? उठा नहीं रहे? चल ठीक है. ओके नहीं चाहिए. नहीं चाहिए ब्रेकफास्ट. बंद बाय. तो जी ये है अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट. थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं अगर आज ट्रैवल करना हुआ तो. वैसे मेरी तबीयत हल्की सी डाउन हो गई है. फीवरिश हो गया है. हाँ कोई बात नहीं भाई. भाई चलाएगा गाड़ी. भाई चलाएगा ना. एंड क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे आए हैं तो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ देव दर्शन के प्योर शुद्ध कपूर. अब हाई एल्टीट्यूड पे सबसे ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, मतलब ऑक्सीजन की कमी रहती है. तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ माउंटेन्स पे तो मैं इसको अपने साथ लेके चलता हूँ ताकि कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो ना तो ये कपूर स्मेल करके ना सांस लेने में ईजी हो जाता है. देव दर्शन का ये कपूर इज मेड ऑफ 100% प्योर कैम्फर विच इज डिराइव फ्रॉम पाइन ट्रीज. तो ये कोई भी ऐश या रेसिड्यू नहीं छोड़ता है. तो आप भी जब ट्रैवल करो या घर में पूजा करो यू कैन यूज दिस कपूर. चलो हैप्पी जर्नी भाई. आज भाई लोग तो निकल गए. चलो चलो वो चंद्रताल वाला. चंद्रताल वाला 100% डन. काम ना करते नेक्स्ट मंथ. तीन दिन का कर लेते हैं मैक्सिमम. मैक्स चार दिन मैक्सिमम. एक दिन मनाली पहुंचने में, एक दिन वहां स्टे करने में, दूसरे दिन वहां रात में स्टे करने में, अगले दिन. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आई लव यू ऑल. पक्का जाएंगे भाई. पक्का भाई. बिना इनके तो हम भी नहीं जाएंगे. नहीं नहीं पक्का जाएंगे. अंडरकवर बॉन्ड दिखाऊंगा. नहीं टक्कर दादा. टक्कर दादा. मारू क्या भाई. मैं तो रेडी हो गया हूँ. नहावा के एकदम फ्रेश हो गया हूँ. अब यहाँ से ना अपना सामान वगैरह पैक कर लिया मैंने. बाकी मनोज भाई का इधर कपड़ा निकला हुआ है. मनोज भाई रेडी हो? रेडी हो? ठीक है. क्या कर रहे हो? एंड दिस एंटायर लद्दाख सीरीज हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो.com. दे आर द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट. आपको गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप बुडमो पे जाकर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो. यहाँ पे मिलती है आपको मल्टीपल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन, तो प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. प्लस दे हैव अ 10 डेज ऑफ अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी. गाड़ी के अंदर की हालत देखो. ये देखो मेरे हाथ. हाँ अभी जस्ट गाड़ी खोली और पूरे हाथ मिट्टी मिट्टी में भर गए. और सेम चीज़ हो रही है हमारे कपड़ों के साथ, क्योंकि जैसी कपड़े गाड़ी में कहीं भी टच होती है ना भाई, लद्दाख जांस्कार पता नहीं कहाँ कहाँ की मिट्टी है इसमें भाई. ठीक है अभी इसको धुलवाने का मौका तो नहीं मिला, पर ठीक है अभी मनाली जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से घर निकलेंगे. अच्छा मैंने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो फिलहाल प्लान ये है कि यहाँ से हम निकलेंगे मनाली. थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, थोड़ा सा फीवर आ गया था. एग्जर्शन यार, एक दिन भी रेस्ट नहीं मिला, प्रॉपरली स्लीप नहीं मिली. सर यहाँ पे बैठे सुलझ भाई का वेट कर रहे हैं और फिर यहाँ से पेमेंट वगैरह करके फिर गाड़ी में सबसे पहले डीजल लेना है और टायर्स में हवा लेना है, क्योंकि आज हम 12 लाचला और एक दो पासेस क्रॉस करेंगे. क्या हो गया? जबान कभी कभी अटक जाती है ना. हाँ तो बस अब सुलझ भाई भी आ गए, अब यहाँ पे गाड़ी में सामान डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से मनाली के लिए. अब मनाली हमें 12 लाचला क्रॉस करने को मिलता है नहीं मिलता वो हमें नहीं पता. मतलब वो ऑल डिपेंड्स कि हम कितने बजे सरचू पहुँच रहे हैं, क्योंकि सरचू के बाद फिर हम 12 लाचला की क्लाइंब स्टार्ट करेंगे. सरचू के चेक पोस्ट पे आगे हमें जाने दिया जाता है, नीच दिया जाता है, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे. बाकी फिलहाल टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 12, एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं. चलो. अच्छा भाई ये भी डाउट है कि सरचू के आगे हमें रुका भी जा सकता है? अब तो खाली होगी सीट वीट. अब तो ज्यादा कुछ करंटिंग लगा भाई. पानी की ग्रेट रख लो ना, ये वाली डाली ना. हाँ हाँ. और अपन ने फ्लूइड वेल्ड का ये थोड़ा सा साफ करना भूल गया. मनोज भाई भाई क्यों नहीं आपने यार, क्या करते हो आप यार विकास भाई यार? आपको इतनी देर बोला गाड़ी साफ रखा करो यार, मेरे को बैठना होता गाड़ी के अंदर. हाँ भाई क्या बोल रहे? एक काम नहीं करते हो, सारी गाड़ी की सफाई मेरे से करवा रहे. मैं सोचा मनोज भाई आएंगे शीशा वीशा साफ रहेगा. ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है. तो चलो कोई नहीं. बोलो श्री अम्बे मात की जय. माता रानी हमारी रिटर्न जर्नी भी इतनी अच्छी करे जितने की हमारी अभी तक की जर्नी रही. लग रहा है ना सरचू पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ से मनाली 450 किलोमीटर है और रात में 12 बजे का ETA दिखा रहा है. 12 लाचला हमें क्रॉस करने देते हैं नहीं देते हैं वो सब चीज़ डिपेंड करता है भैया हम कब पहुंच रहे हैं सरचू. तो अगर नहीं होगा तो हम सरचू पे स्टे करेंगे, अदरवाइज फिर मनाली के लिए डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे. बट ठीक है यार, जो होगा जैसा होगा आराम से चलेंगे. अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करनी है. तो अभी अपना प्लान है कि कारू में अपन टैंक, अरे यार
कोलिजन वार्निंग। तो अभी अपना प्लान है कि कारू में अपन टैंक लबालब करवा लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अपने को डीजल सीधे टांडी या किलोंग में ही मिलेगा। तो अभी भी 85 किलोमीटर का रेंज है, और यही रेंज देख के ना कलम हालने का प्लान हमने ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा जेरी कैंस नहीं थे। लास्ट वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा क्या भसड़ मची थी, बट वो भसड़ आज नहीं मचेगी, क्योंकि अपने को आज ना बहुत अच्छे हाईवेज मिलने भी वाले हैं और नहीं भी मिलने वाले, क्योंकि सरचू वर्चू का क्या कंडीशन है। देखो अज्जू भाई बता रहे थे कि रोड बन गए, बट एलविश बता रहा था कि भाई रोड बने नहीं है, रोड बहुत खराब है। तो अब बनना अच्छा और खराब रोड का परसेप्शन लोगों का अलग अलग है, तो अपन देखेंगे कि हमारे हिसाब से रोड बने या रोड खराब है। हाँ हाँ, यहाँ से हम डीजल ले किलोंग या फिर टांडी तो क्रॉस करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ से तो मनाली मनाली टिका देंगे फिर अपन। हाँ, जितना कम एवरेज देना, एसी के साथ भी चलेंगे तभी तो। बाकी अपनी दूसरी गाड़ी आज खड़ी तो है ना। हाँ, ये भी जस्ट पहुंचे अभी। ठीक ठाक था स्पीड, हमने मेंटेन कर लिया, मतलब 57 है, 48 लीटर डीजल आया इसमें। अरे इसके भरोसे नहीं चलता मैं। हाँ, 48 लीटर उसमें, और अपने में देखते हैं कितने आता है डीजल, तब पता चल जाएगा किस गाड़ी ने कितना एवरेज दिया। मेरी गाड़ी में डेफिनेटली तेल ज्यादा लगेगा। तो अपने में 49 लीटर डीजल है, 49 लीटर। चलो अभी उसमें 48 आया था, अपने में 49, मतलब एक लीटर फालतू खाया अपना डीजल, बाकी से सब ठीक है। अब हमारे साथ आ चुके हैं द वेरी वर्ल्ड फेमस धर्मेंद्र भाई। सोने के लिए, सोने के लिए भाई, सोने के लिए लग्जरी कार, कुछ तो फायदा हम भी उठाएं। हाँ सही बात है, थार में ट्रैवल कर कर के ना भाई, वो डांसिंग कार चला चला के मैं थक गया पहाड़ों पे। लेकिन मजा मजा तो आया होगा ना, थका दिया यार उसने भाई को। हाँ ये तो है, थार देखो बनी ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, पर थोड़ा सा दूर, मतलब इतना लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं ना। हाँ 150 किलोमीटर आप ऑफ रोड ही कर रहे हो। ऑफ रोड ही कर। तो जी कल अपन जब चांगला गए थे, मतलब पैंगोंग, तो यहाँ से सीधा गए थे, बट आज अपन यहां से राइट टर्न मारेंगे टुवर्ड्स उपसी, और ये रास्ता हमें ले जाएगा टुवर्ड्स हानले, सोमुरिरी और मनाली। तो उप्स, अरे भैया क्या फंसा दिए, एक्चुअली कारू के पहले ही पेट्रोल पंप जो है ना, वहां से आप डीजल ले लो जब आप मनाली की तरफ जा रहे हो, अदरवाइज फिर डीजल आपको ना पता नहीं आगे मिले ना मिले। शायद उपसी में भी एक पेट्रोल पंप है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। फंसा ही दिए भैया आगे, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। इधर से ले लें क्या, ले लेते हैं। काफी लंबा जैम लगा हुआ है इधर ट्रक का, अपन साइड साइड से जा रहे हैं। उपसी पहुंच गए, 2 किलोमीटर है उपसी। यहाँ पे चेक पोस्ट है क्या कोई? हाँ उपसी में शायद चेक पोस्ट है, पता नहीं। इस रोड पे ना उपसी में कभी नहीं आया, मतलब उपसी आया हूँ बट इधर से इस वाले रोड टुवर्ड्स मनाली कभी नहीं आया मैं, क्योंकि लास्ट टाइम आया था ना तो सोमुरिरी से सीधे पांग में मिला था। पर अभी पंगा क्या है ना कि ये कह रहे हैं जो चेक पॉइंट पे कि बारालाचला वाला जो रोड है वो सुबह 8 से 10 ही खुलेगा जाने के लिए टुवर्ड्स मनाली। ठीक है, तो या तो आप ले में स्टे करो, कल सुबह 10 बजे से पहले इधर क्रॉस करो, या तो फिर आप सोमुरिरी या इधर निकल जाओ न्योमा में। तो आज आप उधर नहीं जाओगे क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, उधर से छोड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब क्या करना है? चलो फिर सोमुरिरी चलते हैं, आप निकले हुए हैं। चलो चलते हैं यार, अब क्या करेगा, अब तो कुछ कर नहीं सकता जाता तू। चलो सोमुरिरी चलते हैं, सोमुरिरी का परमिट अपने पास है। चलो ठीक है, चलो चलो जी, प्लान में आ गया सडन ट्विस्ट। ये आप खुश हो दुखी हो? मन की हो गई आपकी तो? मन की हो गई। अच्छा, तो जी यहाँ पे लोमा न्योमा ये सारा रास्ते चुमंगथांग और हानले इधर से जाता है, और मनाली अपना सीधा जाता है। तो अब मनाली नहीं, अपन इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सोमुरिरी। हानले भी जा सकते हैं, मतलब अपनी गाड़ी में डीजल तो हमने कारू से पूरा ले लिया, बाकी भाई घर पे बता रहे हैं। भाई बहुत अपसेट है क्योंकि भाई को सबसे पहले पहुंचना था, प्लान्स थे, कुछ अर्जेंट काम था, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते यार। तो भाई हमने सोचा है यहाँ पे खाना खा लेते हैं, क्योंकि आगे ना खाना कुछ मिलेगा नहीं। तो राजमा चावल था, वेजिटेरियन। सो मीरी री 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 सबसे ज्यादा सोमुरिरी जाने का इनका मन था, और उनका मन नहीं था। हाँ देखो वो उदास हो गए। हाँ धर्मेंद्र भाई उदास हो गए? हाँ नहीं उदास नहीं। हाँ उदास नहीं हो? हाँ नहीं नहीं। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा चर्र हो गया, बाकी सब ठीक है जी। निकल गए हम यहाँ से सोमुरिरी के लिए, मतलब उपसी में थे, उपसी से सोमुरिरी के लिए 171 किलोमीटर था, और सिर्फ 4 घंटे 7 मिनट का रास्ता दिखा रही है। मतलब लास्ट टाइम मैं आया था तो जीपीएस ने ना जो रास्ता, मतलब यही रास्ता है, काफी ज्यादा रास्ता खराब था, बट आई होप कि वो बीआरओ ने ना सारा बना दिया हो, बिकॉज ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली भी। Yeah.
भाई ये लैंडस्केप क्या खतरनाक है यार, इतना जबरदस्त ना, एकदम अलग है ना, अभी तक के जितने भी लैंडस्केप देखे ये एकदम अलग है ना, बहुत सुंदर, ये वाला ना। अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बहुत खूबसूरत भाई, लास्ट टाइम आए थे ना तो रोड्स इतने अच्छे नहीं थे, एक साल में बीआरओ ने क्या काम किया यार, ऐसे रोड्स तो ना हाईवे पे नहीं होते हैं, हाईवे वाले जो रोड्स होते हैं ना वैसे हैं, एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड, एकदम ब्लैक टर्मैक, क्या सही लग रहा है। The mummy returns वाला रास्ता है। वो जो लास्ट में जो बन के आता है पानी का बड़ा पिरामिड्स, पिरामिड्स है, ऐसा लग रहा है इजिप्ट में पहुंच गए, ले से सीधे इजिप्ट पहुंच गए, गजब है। आगे शेख अभी मिलेंगे आपको यहाँ पे। अच्छा मनोज भाई पकड़ लेंगे फिर उनको, हबीब मिली तब ना। अच्छा हबीब मिलेंगे तब भी पकड़ लेंगे। मैं गंजा बच्चा परेशान हो रहा था। गंजा बच्चे का सबसे ज्यादा मन था यहाँ पे आने का। समुर्री, समुर्री, अगर वो एक बार में समुर्री जो भी नाम है उसका ले लेना, मैं 1,000 रुपए नाम दूंगा। अच्छा सामने पत्थर आप देख नहीं पाते। जियो, हाँ जियो तो भाई ताबड़तोड़ है। केव्स में से होते हुए गजब आवाज कर रहा है, इधर पटरा रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है नीचे उठ के गाड़ी नीचे निकल जाए। ओ भाई साहब ये ट्रक जाएगा तब क्या हिलता होगा ना, मैप पे यही दिखा रहा है ना। वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स के लिए रुके हैं, और देखो भाई एक बार बाहर निकल के दिखाते हैं आपको, विंड की आवाज थोड़ी बहुत आ रही होगी, बहुत ही जबरदस्त है यार जो पानी का कलर, अरे बहुत तेज विंड आ गई, अरे मैं कुछ बोलूँ इससे पहले इतनी तेज विंड आ गई यार। एक तो इसमें ना आपको नहीं लगता है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए, पीछे थोड़ा भीगा भीगा सा, गीला गीला सा लग रहा है। मेरे को तो लगा है इसमें, नहीं इसमें नहीं है, गलत बात है। आ, कैसा लिया? लग रहा है बढ़िया, हाँ मजा आ रहा है, बॉडी रोल पूरा है, अरे मजा आ रहा है भाई पूरा, बहुत बढ़िया है, लविंग इट, क्या हो गया क्यों बताऊं ऐसे क्यों चल रहे हो?